आप लोगों ने जो बहुत ही उम्मीद के साथ कुछ सवाल अच्छा भेजे हुए थे ना, उन्हीं को लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम को कुछ हद तक दूर किया जा सके। तो कोशिश करते हैं, देखिए जो टॉपिक ज़्यादा आप लोगों ने पूछा है उसी को हम शामिल करेंगे, जिसमें ये बेसिक ही लगभग 7-8 क्लास का क्वेश्चन होगा या 9-10 का होगा। किसी दर से 1700 रुपये का 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 340 रुपया है, तो कह रहा है दर क्या होगी। आपके सभी परीक्षा में ये सवाल आते हैं जी, हाँ मास्टर क्लास है ये। 12%, 15%, 4% या 10%। सिंपल सी बात है, आप लोग ये फार्मूला जानते हैं जो ना, बस वही लगाना है। कौन सा? ये साधारण ब्याज बराबर होता है ना मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें कुछ और नहीं लगाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें दर निकालना है तो क्या ये लगेगा? जी बिल्कुल यही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो जो दिया सब रख दो, जो नहीं दिया वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा बाहर। साधारण ब्याज 340 दिया है ना, रख देते हैं सबसे पहले 340 बराबर मूलधन, कितने रुपए की बात हो रही है, 1700 ना, तो ये हो गया 1700। दर तो दिया नहीं, यही तो निकालना है। समय 2 वर्ष है तो 2 रख दिया, ये हो गया 100। देखिए केवल दर बच रहा है, बाकी सब हो चुका, तो यही बाहर आ जाएगा। एक लिख लो इसके पहले क्रॉस मल्टीपल, 100 का गुणा इसमें, इसका पूरा इसमें, तो ये 1700 का 2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3400, और गुणा इसी में कर लेंगे दर बराबर, ये 340 का गुणा हो जाएगा 100 में। सब कुछ क्लियर है? ये दर बराबर क्या हो जाएगा? 34000। क्यों? क्योंकि 2 जीरो इसमें, एक इसमें, 3 जीरो हो गया, और ये हो जाएगा 3400। भाई 34 से 34 काट दो फटाफट, और एक आएगा ऊपर भी नीचे एक आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर 1 जीरो बच रहा है और 1 बच रहा है, यानी कि जो दर बच रही कितना प्रतिशत? 10% दर हुई, यानी कितना रेट था? मात्र 10%। जल्दी से नोट कर लीजिए, जिनको नहीं दिख रहा है उनको मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। 10% हो गया। वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए, नहीं तो फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग ये सवाल देखें, उसी तरह का एक दूसरा सवाल भी आपके सामने आ चुका है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या क्या दिया है? कह रहा किसी दर से 3400 रुपये का, यानी कि मूलधन कितना है 3400 रुपया, और समय वही पुराना है 2 वर्ष, ब्याज कितना है, इंटरेस्ट जो है वो 340 रुपीज का है। ये आ गए ना तीनों चीज। अब दिक्कत किस बात की है? दर की प्रॉब्लम है ना। फार्मूले में लगा लीजिए जो अभी आपने देखा, दर आ जाएगी आपकी, 20% आएगा, 15 आएगा, कमेंट करिएगा, ऑप्शन आपके सामने है ये सभी। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कोई शिकवा शिकायत होगी तो निसंकोच बताइएगा, बिल्कुल आपका अपना ही सब कुछ है। सभी लोग कमेंट कर दिए तो हम आगे बढ़ें, क्लास को भी लाइक करिएगा भाई।